गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप एवरी वन विल बी फाइन इन योर होम. ओके बच्चों, इन प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया है. आई होप सो. ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर. इफ़ यू नॉट कंप्लीटेड, प्लीज़ राइट द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम हेल्प ऑफ माई वीडियो. ठीक है, वीडियो को देखिए और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करिए. ये मैंने होमवर्क दिया था, टाइप्स ऑफ हाउसेस. आई होप सभी ने कंप्लीट कर लिया हो. यहाँ टाइप बताना है, लिखना है कितने तरह के घर होते हैं. ओके नाउ टुडे, और मैंने हार्डवर्क भी दिया था आप लोगों को फ्रॉम चैप्टर 10. आई होप सभी ने लिखा हो. ओके नाउ टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 10, एयर एवरीवेयर. हवा चारों ओर. ठीक है, दैट मीन्स इज हवा चारों ओर. बच्चों हवा हमारे चारों ओर है. ठीक है, एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस. ठीक है, लेकिन हवा जो है हम देख सकते हैं क्या? नहीं, हवा को हम नहीं देख सकते हैं. हवा को हम फील कर सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं. ठीक है, तो कैसे महसूस कर सकते हैं? ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ. ओके तो एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि आपके घर में फ़ैन चल रहा है. ठीक है, मेरे यहाँ भी फैन चल रहा है. लुक एट हेयर, मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा है, ये मैंने इस तरह से रखा हुआ है. ये क्या हो रहा है? ये इधर उधर हिल रहा है. क्यों हिल रहा है बच्चों, क्या आप बता सकते हो? हाँ, आप ये कह सकते हो कि ये हवा से हिल रहा है. मैं इसे नहीं हिला रही हूँ. लुक एट हेयर, माई हैंड इज़ स्टैंड. ठीक है, इन वन प्लेस, बट द पेपर इज़ गो हेयर एंड देयर. ठीक है, ये क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है. तो इसका मीन्स क्या हुआ कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे हवा चल रही है. ठीक है, आपका जो फ़ैन है रूम का, ठीक है, तो रूम का जो फ़ैन है उसमें क्या हवा भरी हुई है? नहीं, फ़ैन में हवा नहीं भरी हुई है. हवा जो है हमारे चारों ओर, हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में है. ये क्या होता है बच्चों? लुक एट हेयर, फ़ैन जो है, फ़ैन जब चलती है तो क्या होता है कि वो हवा को चारों ओर थ्रो करता है, फेंकता है, जिससे हमें हवा जो है महसूस होती है. ठीक है, ओके इतना आप समझ गए कि हवा हमारे चारों ओर है. ठीक है, जो हमें दिखलाई नहीं देता है लेकिन हम इसे महसूस करते हैं. ओके नाउ वी लर्न अबाउट इट. लेट्स वार्म अप. इसमें कुछ दिए हुए हैं आपको, ये आपका होमवर्क है. ये जैम्बल्स वर्ड हैं, अनजैम्बल्स हैं, इन्हें आपको ठीक करके लिखना है. लुक एट हेयर, दिस इज़ अ काइट. तो आप काइट का स्पेलिंग आपको यहाँ पे सही से लिखना है. ओके नाउ सेकेंड, इन सेकेंड पिक्चर हेयर इज अ बलून. ठीक है, तो आप बैलून का स्पेलिंग यहाँ पे सही से लिखोगे. यू राइट हेयर इन प्रॉपर वे. नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन. ठीक है, तो एरोप्लेन का स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना है जो कि दिया हुआ है, पर ये दिस इज़ नॉट अ राइट स्पेलिंग. सो आपको यहाँ पे लिखना है सही करके. ओके नाउ वी लर्न अबाउट एयर. हवा, एयर मीन्स हवा. यू मस्ट हैव सीन अ काइट फ्लाइंग. आप एक पतंग को देख सकते हो उड़ते हुए. व्हाट मेक्स इट फ्लाई, ये
क्या उड़ रहा है, मतलब ये क्या उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है। इट इज़ द एयर दैट मेक्स अ काइट फ्लाई, कैसे उड़ेगा, हवा से उड़ेगा। काइट जो है आपका क्यों उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, तो ये जो है आपका हवा से उड़ रहा है, ठीक है। इट इज़ द एयर, ये हवा है जो कि एक पतंग को उड़ा रहा है, ओके। व्हाट डू यू डू व्हेन यू वांट टू ब्लो अप अ बैलून, आप क्या करते हो जब आप एक बैलून को क्या करते हो, फुलाना चाहते हो, क्या करोगे जब आप एक बैलून को फुलाना चाहोगे तो। यस, यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ इनटू द बैलून, आप जो है हवा अपने मुंह के द्वारा फुलाओगे बैलून को, ठीक है। हवा हवा को बैलून में मुंह के द्वारा आप उसे डालोगे, तभी एक बैलून जो है वो गुब्बारा जो है फूलेगा। लुक एट हेयर, हेयर इज़ वन चाइल्ड, ही इज़ ब्लोइंग द एयर इन द बैलून, ये क्या कर रहा है, एक बैलून में हवा भर रहा है अपने मुंह से, ठीक है, तभी वो फूल रहा है, ओके। और एक बच्चा है, लुक एट दिस पिक्चर, हेयर इज़ वन चाइल्ड, एक बच्चा जो है ही इज़ प्लेइंग विथ काइट, ये खेल रहा है एक पतंग से जो कि उड़ा रहा है, जब वहाँ पे हवा चलेगी तभी पतंग उड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज़ वो नीचे ही रहेगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा, ओके। आपको समझ में आ रहा है, आई होप सो, कि हवा जो है कैसे चलती है और हवा किसी चीज़ को अपनी दिशा में उड़ाते हुए ले जा सकती है, मूव करा सकती है, ठीक है। हवा का जिस मूवमेंट जिस दिशा में होता है उसी दिशा में आपका पतंग भी जाएगा, और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया कि एक पेपर को उड़ा के कि जिस दिशा से आप हवा चल रही है उसके विपरीत दिशा में आपका जो है क्या होता है, पेपर उड़ रहा है, ठीक है। लेट्स वी लर्न अबाउट समथिंग मोर अबाउट एयर, अब एयर के विषय में और भी हम जानकारी लेते हैं। एयर इज़ एवरीवेयर अराउंड अस थ्रो वी कैन नॉट सी इट, ओके, थ्रो दो सॉरी दो वी कैन नॉट सी इट वी कैन फील इट, हवा जो है हमारे चारों ओर है लेकिन क्या है, ये हमें दिखलाई नहीं देता है, हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ओके। वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट, बट वी कैन फील इट, ना हम इसे छू सकते हैं ना देख सकते हैं, हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऑल लिविंग बींग नीड एयर टू ब्रेथ, जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य हैं या जीव हैं वो क्या करते हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए हवा की, ठीक है, उन्हें आवश्यकता पड़ती है हवा की जिससे वे सांस ले सकें। एयर टेक्स अप स्पेस, हवा जो है वो स्थान लेता है, जगह घेरता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोगों ने बैलून लिया, बैलून एक छोटा सा था, ठीक है, ये एक रबर का बैलून है, इसमें एक बच्ची है पिक्चर में, हेयर इज़ वन गर्ल इज ब्लोइंग द एयर इन द बैलून, ये हवा भर रही है, तो बैलून का आकार जो छोटा था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये हवा जो है वो जगह घेर लिया हवा ने, इतना जितना कि बैलून में ले सके, ठीक है। दैट इज़ वाई अ बैलून गेट्स बिगर व्हेन वी ब्लो एयर इनटू इट, जिस कारण से बैलून जो है वो छोटे से बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें हवा हम लोगों ने भरा, ठीक है। नाउ कैन यू टेल द नेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू टेल द डायरेक्शन ऑफ विंड, क्या आप बता सकते हो, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जो कि हमें जो हवा की दिशा को बताता है कि हवा किस दिशा से बह रही है,
that is called windmill. Windmill anemometer, आप इसे लिख सकते हो in your book. ठीक है, for remember, याद करने के लिए आप इसे लिख सकते हो. ये एक यंत्र होता है बच्चों, जिससे क्या है कि हवा किस दिशा से बह रही है आपको बताएगा वो यंत्र, कि हवा जो है ईस्ट से आ रही है, वेस्ट से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, साउथ से आ रही है. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल, एक गर्ल्स जो है वो खड़ी है. ठीक है, वो क्या है, इसे महसूस हो रहा है कि हवा किस ओर से बह रही है. हवा जो है इसके फेस पे पड़ रहा है, जिसके वजह से ये इसका आँख जो है, आइज़ जो है वो क्लोज हो गया है. जब आप पंखे के पास बैठोगे डायरेक्टली, एक टेबल फ़ैन के पास, तो आप आँख खोल के नहीं बैठ सकते, क्योंकि हवा जो है वो थ्रो होता है सीधे आपके आइज पे, जिससे आपका आँख जो है, ठीक है, वो बंद हो जाता है. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, एयर ऑलवेज ब्लोज इन अ सर्टन डायरेक्शन. हवा जो है एक निश्चित दिशा में बहती है, चारों ओर से नहीं बहती है, एक निश्चित दिशा में बहती है. द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद द एयर टेल अस अबाउट द डायरेक्शन इन विच द एयर इज ब्लोइंग. ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट चीज़ें होती हैं जो कि हवा के मूवमेंट को बताती है. हवा किस ओर से चल रही है वो उसके साथ उस दिशा में वो जो है बहता चला जाता है. कोई भी वस्तु आप ले सकते हो, तो आप देखोगे कि जिस ओर से हवा बह रही है उसके साथ वो वस्तु भी बह रहा है या उसका मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, आज यहीं तक छोड़ती हूँ मैं. ओके, टुडे वी लेफ्ट हेयर. ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट यूजेज ऑफ एयर. एयर के क्या काम है या क्या उपयोगिता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, आई होप टुडे यू अंडरस्टैंड अबाउट एयर. ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि एयर क्या है. ठीक है, और एयर एक स्थान घेरता है, एक जगह लेता है. जिस चीज़ में आप हवा भरोगे वो स्थान हवा से भरी होती है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीच यू टुडे. ओके, नाउ टुडे इज इनफ. Now take care and stay safe in your home. Okay? आप इससे प्रयोग करके देख सकते हो. एक बैलून को लेके फुलाओगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. आप समझ सकते हो कि हवा किस तरह से एक बैलून में भरती है, वो जगह लेती है. Okay? Now take care and goodbye. We will meet in next video.